मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल हूं, आगरा में पिछले 40 सालों से एज ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं एज ए लेजर सर्जन अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा हर्निया के बारे में। हर्निया एक बहुत कॉमन बीमारी है, एक बहुत आम बीमारी है। मैंने अभी तक हजारों लाखों मरीजों को ऑपरेशन करके मरीजों को ठीक किया है। आज मैं आपसे बात करूंगा कि हर्निया क्या होता है। हमारे पेट के अंदर जब सूजन आने लगती है, और ये सूजन क्यों आती है, जब हमारी आंतें बाहर आने लगती हैं, जिस तरह से आप समझ लीजिए हमारा पेट एक गुब्बारे की तरह होता है, फूले हुए गुब्बारे की तरह होता है, और अगर हम गुब्बारे को एक तरफ से दबाएं तो वो दूसरी तरफ से फूल जाता है। इसी प्रकार हमारे पेट में जब प्रेशर बढ़ता है, और ये जब प्रेशर बढ़ता है तो वो दूसरी तरफ से फूल जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, और इसी को हम हर्निया के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रमुख कारण हर्निया का हमारी मांसपेशियों का कमज़ोर होना। जब हमारी मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं तो उस जगह से जो हमारी आंतें हैं या पेट का अन्य सामान है वो बाहर आने लगता है और सूजन की तरह हमको दिखाई देता है। तीसरा प्रमुख कारण है ऑपरेशन के बाद। जब ऑपरेशन के बाद और खासी जो सर्जन है वो घाव को सिल देता है, बंद कर देता है, लेकिन उस स्थान पर अगर कमजोरी आ जाती है, टाँके पूरी तरह से नहीं भरते हैं, तो भी हमारी आंतें बाहर आने लगती हैं, ऐसे सूजन बन जाती है, और इसको हम हर्निया के नाम से जानते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हर्निया क्या होता है। हमारे पेट में जब सूजन आने लगती है, और जब हम लेट जाते हैं तो ये सूजन अंदर चली जाती है और हमको लगता है कि हम बिल्कुल नॉर्मल हैं। जब हम खड़े होते हैं, जोर लगाते हैं, लेटरिन के लिए जोर लगाते हैं या पेशाब के लिए जोर लगाते हैं या खांसते हैं, तो ये सूजन बाहर आ जाती है, हमको दिखाई देने लगती है। हम सूजन को अपने हाथ से पकड़ भी सकते हैं, और अगर चाहे तो अपनी उंगलियों से उसको अंदर भी कर सकते हैं। तो इस तरह तीन प्रमुख कारण हुए, हमारी मांसपेशियों का कमज़ोर होना, दूसरा हमारे पेट का प्रेशर बढ़ना, और तीसरा ऑपरेशन के बाद मांसपेशियों में कमजोरी आना। तो इन तीनों तरीकों से हमारी जो पेट की मसल्स हैं वो वीकनेस हो जाती हैं, और जब वीक हो जाती हैं तो सूजन बाहर आने लगती है, और इसी को हम हर्निया के नाम से बोलते हैं। पेट का प्रेशर जो बढ़ना है उसका प्रमुख कारण है हमको खांसी होना। जब हम खांसते हैं तो हमारे पेट का प्रेशर बढ़ता है। खांसी हमको किसी भी वजह से हो सकती है। खांसी हमको अस्थमा की वजह से हो सकती है, ब्रोंकाइटिस की वजह से हो सकती है, टीबी की वजह से हो सकती है, या एलर्जिक कफ हमको हो सकता है, या हमको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन में जब कब्ज होता है और हम लैट्रिन करने में जोर लगाते हैं तो हमारे पेट का प्रेशर बढ़ता है, और जब पेट का प्रेशर बढ़ता है तो जहाँ से भी मांसपेशी हमारी कमज़ोर हो रही होती हैं तो वहाँ से जो हमारी आंतें हैं वो बाहर आने लगती हैं और हमको हर्निया बन जाता है। तीसरा कारण है हमको पेशाब करने में जोर लगाना। जैसे एज बढ़ने के साथ साथ पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है, और जब प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है तो हम जोर पेशाब करने में लगाते हैं, और जब ये जोर लगाते हैं तो साथ में हर्निया भी बन जाता है। इसीलिए अगर किसी आदमी को प्रोस्टेट बढ़ी हुई है, उसको हर्निया भी है, तो हमको पहले प्रोस्टेट का ऑपरेशन करना चाहिए, क्योंकि प्रोस्टेट का ऑपरेशन करके हम जो हर्निया बनने का कारण है उसको ठीक करते हैं, और उसके बाद ही हम हर्निया का ऑपरेशन करते हैं। अगर किसी वजह से हमारे पेट के अंदर पानी भर गया है, या और कोई कारण हो जैसे प्रेगनेंसी, पेट बढ़ने का, तब भी उसमें हर्निया बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सभी प्रमुख कारण हैं हर्निया के, हर्निया बनने के, और हर्निया क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। और इसका जो इलाज है, वो जो सारे प्रमुख कारण मैंने आपको बताए, इनको ठीक करना है, खांसी को ठीक करना है, कब्जियत को ठीक करना है, और अपनी पेशाब के रास्ते कोई परेशानी है उसको ठीक करना है। भारी वजन उठाने से भी हर्निया बनता है, जैसे आपने देखा होगा वेट लिफ्टिंग जो चैम्पियनशिप होती है तो सब वो लोग उसमें हर्निया बेल्ट पहनते हैं और उसके बाद ही वजन उठाते हैं। या आप बहुत ज़्यादा शंख बजाते हैं, शंख बजाने से भी बहुत ज़्यादा पेट पे प्रेशर पड़ता है और उससे भी हर्निया बन सकता है। इसका जो इलाज है वो केवल ऑपरेशन है। अपने जो मूल कारण है उसको ठीक करके हमको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, और किसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग आपको कहते हैं हम योगा से ठीक कर देंगे, दवाइयों से ठीक कर देंगे, लेकिन आज तक मैंने किसी भी ऑपरेशन को ठीक होते हुए नहीं देखा है। ये कहाँ पर होता है पेट में? अपने पेट में सबसे नीचे की तरफ
हमारी जो मसल वीकनेस पॉइंट ज़्यादा होता है वहाँ से वहाँ पर बनता है, या टूंडी के अराउंड बनता है, और तीसरा अगर कोई भी पेट में ऑपरेशन हुआ है वहाँ पर ये बन सकता है। थैंक यू वेरी मच।